हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड में बाहरी लोगों को अपना नाम बनाने के लिए नेपो किड्स के साथ कितनी गुत्थम गुत्थी करनी पड़ती है, ये तो जग जाहिर है। उनसे मैचअप करना काफी मेहनत का काम है। जहां नेपो किड्स को सब कुछ सोने की थाली में सजा कर परोसा जाता है, वहीं आउटसाइडर्स को अपना खून पसीना एक करके इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी पड़ती है। ऐसे में अब बॉलीवुड के पॉपुलर चॉकलेटी बॉय यानी कि शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में आउटसाइडर्स की एंट्री को लेकर बड़ी बात बोल दी है। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर जगह बनाने वाले शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो हाल ही में एक्टर ने बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर नेहा में शिरकत की, जहां एक्टर का दर्द फूटा गुस्सा विद दर्द। इस दौरान शाहिद ने बॉलीवुड में बाहर से आए लोगों के लिए अपनी जगह बनाने को लेकर खुलकर बात की। शो के दौरान शाहिद ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री को लेकर बात की। उन्होंने कहा, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मुझे फील हुआ कि ये भी किसी स्कूल से कम नहीं है। ये लोग बाहर से आने वालों को आसानी से अपनाते नहीं है। उनका सोचना होता है कि तुम अंदर आए कैसे। आपको बता दें, शाहिद को अपनी पहली फिल्म इश्क विश्क 100 से ज्यादा ऑडिशंस देने के बाद मिली थी। बॉलीवुड में कैंपी कल्चर का चलन काफी समय से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। ऐसे में जब शाहिद से सवाल किया गया कि क्या वो भी कभी अपने करियर में किसी कैंप का पार्ट रहे हैं, इस पर एक्टर ने कहा है कि हर शख्स को जिसके साथ कोलैबोरेट करना है वो कर सकता है, लेकिन मुझे कैंपी कल्चर ना तो पसंद है और ना ही उनके अंदर कैंपी इंसान वाली कोई क्वालिटी है। यहाँ शाहिद की बात सुनकर मुझे ये गाना याद आ गया, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।